तो स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल माँ डिजिटल सेवा में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मतलब फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीट 2021 के आवेदन आपको किस तरीके से करने हैं, तो आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे साथ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, देखते रहना अंत तक। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी नहीं करना चाहते वीडियो देख लें, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मिलते रहे हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के वीडियो, जिसमें जॉब अलर्ट, टेक्निकल न्यूज, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान। तो फ्रेंड्स अब ले चलते सीधा आपको गूगल के पास और आपको दिखाते हैं सब लाइव। जैसा फ्रेंड्स हम आ चुके हैं गूगल के पास और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गूगल, और गूगल में हमें टाइप करना है रीट 2021, सिंपली टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद सीधा इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो है और ये यहाँ पर पेज फर्स्ट राजस्थान अध्यापक पात्रता, ये दिख रहा है आपको, इसकी वेबसाइट है राज EDU मतलब राज एजुकेशन बोर्ड .rajasthan.gov.in। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से नोटिफिकेशन, जो कि आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। और इस तरीके से जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें सभी जानकारी दी गई है, जो जानकारी आपको जो है पढ़ लेनी है अच्छी तरीके से, जो कि आवेदन की जो प्रारंभ तिथि आज से 11/1/2021 से लेकर के आपकी जो है 8/2/2021 तक आपको जो है चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है रात के 12 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर फीस जो है स्तर प्रथम श्रेणी जो प्रथम जो लेवल फर्स्ट है उसके लिए ₹550 है, और दोनों का अगर अप्लाई करेंगे आप दोनों का अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ₹750 जो है आवेदन शुल्क आपका रहेगा। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको जो है पूरी जानकारी चाहिए, आपको सिलेबस देखना है, तो सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो वेबसाइट दी है इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। करने के बाद आपको सिंपली इतनी कॉपी कर लेनी है, करने के बाद आपको जो है यहाँ पर डाल देनी है एड्रेस बार में और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस इस तरीके से आएगा। सॉरी अभी थोड़ा जो है वेबसाइट रीच कर रहा है, दिखा रहा हूँ आपको। जैसे फ्रेंड्स आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर के आ गई है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था उस तरीके से वेबसाइट यहाँ पर डाल दी है। इसी प्रकार आपको भी वेबसाइट डाल देनी है, और जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जो है डायरेक्टली जा सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा है रीट 2021, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड जनरल फीस चालान, यहाँ पर आप जो फीस चालान करेंगे सबसे पहले, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और यहाँ से रिप्रिंट करेंगे, यहाँ स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ से पासवर्ड जो है रजिस्ट्रेशन चालान नंबर जो है फॉरगेट कर सकते हैं। सिंपली आपको अगर विज्ञप्ति पूरी पढ़नी है तो यहाँ पर दिए गए हैं लेवल फर्स्ट सेकंड के लिए, वो भी आप पढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम क्या रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपली यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस इस तरीके से जो है रिडायरेक्ट करेगा और थोड़ी समय में आपके सामने जो है ओपन होकर के आ जाएगा इस तरीके से। सॉरी एड है, इसको क्लिक कर देते हैं, दोबारा से यहाँ से फिर से क्लिक कर देते हैं और ये देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो स्किप करने के बाद ऐड स्किप करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का सिंपली आपको यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स फिल कर देनी, जैसा कि मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ, ये सिंपली आपको फिल कर देनी आपकी जो भी जानकारियाँ हैं वो सिंपल तरीके से आपको जो है फिल कर देना है। जैसे मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फिल करना है और जानकारी एकदम सटीक और सही जानकारी फिल करें, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन द्वारा नहीं होता है। और इस तरीके से आपको जो अपनी जानकारी भर देनी है, जो भी आपकी जानकारी है, और एक तरीके से आपको सही तरीके से चेक कर लेना कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर देनी है, यहाँ मैं फिल कर देता हूँ। ये फिल करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर क्लास फर्स्ट और जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड, तो यहाँ पर दिया हुआ लेवल फर्स्ट में आपको 1 से लेकर 5th तक के लिए अप्लाई करना रहता है, लेवल सेकंड में 6 to 8th के लिए अप्लाई करना रहता है। तो अगर बोथ के लिए अप्लाई करना तो बोथ पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप जो है एक सिंपल एक पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको फीस भी दिखाई दी गई है, और अगर आपको दोनों में फिल करना तो दो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जो दिया है आपका मोड दिया, पेमेंट मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन पेमेंट मोड करना है या कैश, तो मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेनी है, इसमें 3 बैंक दी हुई HDFC, ICICI और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर आपको मैं ICICI से क्लिक करके दिखा रहा हूँ और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो भी आपने जो है आपका चालान दिखेगा इस तरीके से, आपको मेक पेमेंट पर नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर आपको फीस देखने को मिलेगी, और आपको फीस अपने जो है काट लेनी है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको जो है इससे आगे की जानकारी हाइड कर दूंगा और उसके बाद जो है दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले प्रोसीड करके दिखाता हूँ। इस तरीके से प्रोसीड कर देना है, प्रोसीड करके इस तरीके से आपका चला जाएगा, अगर जो भी बैंक है आपके उसके पोर्टल पर चला जाएगा। मेरा यहाँ पर है तो मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल देने हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और पेमेंट कट गया है। पेमेंट कटने के बाद आपके सामने जो है नया इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा।
इस तरीके से आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी जिससे आपको प्रिंट कर लेना है। मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ और इसे प्रिंट निकाल देता हूँ जो रिसिप्ट है, और मैंने प्रिंट पर क्लिक कर दिया है। प्रिंट रिसिप्ट हो चुकी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस रिसिप्ट में आपको पूरी जानकारी दिख रही है, यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब टोटल दिख रहा है। इस तरीके से चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको रिटर्न होकर के होम पर चले जाना है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, और यहाँ से होम पर वापस हो जाना है। थोड़ा थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स मैं बताऊँ आपको, जब फर्स्ट फॉर्म फिल कर रहा हूँ और मैं आपको सब जानकारी क्लियरली बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक बटन दबाने के बाद मेरा उत्साह वर्धन करता है। फ्रेंड्स सीधा आपको ले चलता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो आपको दिख रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म रीड 2021, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बता दी थी, सिंपली आपको यहाँ पर चालान नंबर जो आपका निकल के आया है वो डाल देना है। मैं डाल देता हूँ अपना चालान नंबर, मैंने ये डाल दिया यहाँ पर। ये डालने के बाद यहाँ पर आपका मदर्स नेम पूछा जाएगा, सिंपली वो टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप गलत करते हैं तो आपका जो है फिल नहीं कर पाओगे और आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। इस तरीके से सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने जानकारियाँ आ जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नाम, पिता का नाम, माता का नाम साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर सिंपली आपको दिखाया गया है रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो, 100 KB साइज, चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए साफ साफ, हस्ताक्षर साइज 50 KB का होना चाहिए, सफ़ेद कागज पर काले पेन से पिना पेन से किया हुआ स्पष्ट हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ब्लैक जो है आपका हस्ताक्षर चाहिए और आपका फोटो एकदम प्लेन होना चाहिए। सिंपली आपको सबसे पहले फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं फोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको जो है नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। ये आ चुका है, यहाँ पर फोटो भी दिख रहा है, सिग्नेचर भी आपके साफ साफ दिखने लगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है अपलोड चेंजेस, अगर आप चाहते हैं गलत कर दिया है तो आप यहाँ पर चेंजेस भी कर पाएंगे। और फ्रेंड्स आपकी जानकारी इस तरीके से आपके सामने दिखने लगेगी। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर अपने जो है जानकारियाँ सेलेक्ट कर लेनी है और इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है जेंडर सेलेक्ट करना है सबसे पहले, जो भी आपका जेंडर है। यहाँ पर आपकी वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करना है, मैरिड हो या अनमैरिड वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो है, अगर आप जो है वाइफ हो तो पति का नाम, नहीं तो जो है फीमेल हो उस तरीके से जो है मेल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आधार कार्ड डाल देना है, जो भी आपका आधार कार्ड है ये डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है, मैं फिल कर देता हूँ। ये फिल कर देता हूँ। यहाँ जानकारी आपको सही सही सेटिंग सेटिंग फिल करना है, कोई भी गलती नहीं कर देना। आपका स्टेट जो भी है स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपका जो जिला है वो जिला सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली मैं सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पिन कोड डाल देना है अपनी एरिया का और आपकी मेल आईडी है वो मेल आईडी डाल देनी है आपको। ये मैंने डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर आपका अगर टेलीफोन नंबर है तो वो भी डाल देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना आपको। ये डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप जो है और जो अगर राजस्थान से तो आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है जनरल और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अगर डिसेबिलिटी आपकी है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है आपको और यहाँ पर आपको देखने को मिला क्या आप राजस्थान के मूल निवासी अगर हैं तो यस करना, नहीं तो नो कर देना है। करने के बाद यहाँ पर देख रहा है क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है और गृह राज्य आपका कौन सा है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गृह जिला सेलेक्ट कर लेना है आपको। करने के बाद एक्समैन हो तो यस, नहीं तो नो कर देना है। करने के बाद नीचे डिटेल्स आपको दिख रही है, यहाँ पर एग्जाम डिवीजन कहाँ लेना है आपको, वो डिवीजन आप एग्जाम डिवीजन ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर भरतपुर जो है सेलेक्ट कर लिया है मैंने एग्जाम डिवीजन और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जिले, जैसे मैं आप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट धौलपुर कर लिया है और ओके कर दिया है। दूसरा यहाँ पर जो भी है भरतपुर है, करौली है, जो भी सिलेक्ट करना है मैंने करौली सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सेकंड यहाँ पर आपको देखने को मिला एग्जाम डिवीजन सेकंड आपको सेलेक्ट करना है, अगर एग्जाम डिवीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो भी आपको इसमें से डिवीजन सेकंड सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने एग्जाम डिवीजन दूसरा सेलेक्ट कर लिया है जयपुर, और जयपुर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है परीक्षा केंद्र थर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैंने जयपुर कर लिया है। और दूसरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है सीकर, और सीकर सेलेक्ट कर लिया है मैंने। करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद
आपको अपनी एग्जाम लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लेनी, जैसे मैंने फर्स्ट हिंदी, सेकंड और संस्कृत सेलेक्ट करना है मुझे, तो मैंने संस्कृत सेलेक्ट कर लिया। बाकी आपकी जो भी लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आपको देखने को डी डी ओ अपियर इन रीट 2017, अगर आपने 17 का जो है पास किया है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना है। और करने के बाद यहाँ पर आपकी जानकारी जो इस तरीके से फिल कर देनी, जो भी आपकी जानकारी दी गई, ये सभी एजुकेशन जानकारी फिल करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो है देख रहा है आपका सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल करना है, वो डिटेल्स फिल करनी है आपको, पूरी अपनी जो जानकारी है आपको यहाँ पर जानकारी पूरी फिल कर लेनी है, जिसमें आपका ईयर किस संकाय से किया है, अधिकतम अंक और प्राप्तांक जितने आपको ऑप्टेन मार्क्स है वो यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर हमने जो है बी एस टी सी या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की है, जिसमें आपका डी एड, बी एस टी सी, डी एल एड और जो भी आपने की है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सिंपली उसकी जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है। करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आपने किस ईयर में पास आउट किया है, वो सब आपको यहाँ पर देखना है और आपको सही सही जानकारी अपनी फिल कर लेनी है। करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आपका पहचान चिन्ह, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका पहचान चिन्ह है वो सिलेक्ट कर लेना है। और अपना डालने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री सत्यापन फॉर्म है आपको फिल कर देना है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आई एग्री सिलेक्ट कर दिया है, करने का प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और ओके क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप कोई भी चीज़ जो है परिवर्तन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ कंपलसरी पॉइंट्स हैं वो आपको फिल करना बहुत ही आवश्यक है, जो नहीं करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ये आपके सामने फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिटेल्स आपकी क्लिक कर चुका हूँ मैं और जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। आने के बाद आपको करना क्या है, ये आई एग्री पर फिर से सिलेक्ट कर लेना है 3 बार और सिलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल एक बार फाइनली चेक कर लेनी है। करने के बाद यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव पर बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका जो फॉर्म फिल हो चुका है, यहाँ पर आप फॉर्म देख पा रहे हैं और फिल हो चुका है। इस तरीके से आपको फॉर्म फिल कर लेना है फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी दिक्कत आपको रही हो तो प्लीज़ मुझे चैनल जो है लाइक बटन दबा करके, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके मुझे बता सकते हैं और मैं आपको जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से कहना चाहूंगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन का ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।